बात करेंगे रीवा की, जहां पर्यटन की गतिविधियों को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से इको पार्क का निर्माण किया गया है। सैर सपाटे की गतिविधियों के साथ ही इको पार्क में आधुनिक एडवेंचर गतिविधियों को भी प्रमुखता दी गई है, जो हर उम्र के सैलानियों को आकर्षित करेगी। इको पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। रीवा जिले में महानगर की तर्ज पर विकसित होने वाला प्रदेश का ये पहला इको पार्क है। प्राकृतिक वातावरण के साथ इको पार्क में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियां भी विकसित की गई हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम साइली कामले, ऋषि सिंह और हर्षी मड ने प्रस्तुतियाँ दी। रीवा के विकास के लिए जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकता रही है, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। इको पार्क और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भव्य परिसर इसका उदाहरण है, जैसा आप कह रहे हैं।